हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं आपके लिए बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर की वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपका 2000 से कम का बजट है तो हमें ट्रोनिका की तरफ से काफी कमाल का जबरदस्त ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिलता है। इसका मॉडल नंबर है मैड हेल। एंड दोस्तों अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 1900 रुपीस। अगर दोस्तों आपको ये स्पीकर को परचेस करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस मॉडल का बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, जाकर आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस मॉडल को पूरा अनबॉक्स करेंगे, आपको बॉक्स कंटेंट डिटेल में दिखाएंगे, साथ में हम स्पीकर को भी डिटेल में दिखाएंगे। अगर आप Amazon पे भी देखेंगे ना, इसको काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। साथ में दोस्तों यार डिजाइन जो है स्पीकर का, वो तो क्या क्लासी डिजाइन हमें मिलता है। तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। I feel paralyzed. दोस्तों बॉक्स हमने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बॉक्स कंटेंट को डिटेल में दिखा देता हूं। देखिए हमें टाइप सी केबल मिल जाती है स्पीकर को चार्ज करने के लिए। दोस्तों हमें RCA 3.5 mm केबल भी मिल जाती है बॉक्स के अंदर। एंड दोस्तों यार ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी है, देखिए हमें रिमोट कंट्रोल भी मिलता है ब्लूटूथ स्पीकर पे। सो हम ब्लूटूथ स्पीकर को रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट कर पाएंगे। साथ में दोस्तों हम इक्वलाइजर को भी एडजस्ट रिमोट कंट्रोल से कर पाएंगे। साथ में दोस्तों हमें यूजर मैनुअल मिल जाती है, स्पीकर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूजर मैनुअल पर मिल जाएगी। एंड इसके बैक साइड पर देखिए हमें वारंटी कार्ड भी इस पर मिलता है। दोस्तों हमें स्ट्रैप भी मिल जाता है एंड ये लेदर क्वालिटी का है। देखिए हमें मेटल के हुक्स मिल जाते हैं, बहुत सही है क्वालिटी वाइज ये। चलिए दोस्तों अब हम आपको स्पीकर को भी डिटेल में दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इस पर स्ट्रैप को कनेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों हमने स्ट्रैप को स्पीकर के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों हम स्पीकर को डिटेल पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्पीकर के फ्रंट साइड को डिटेल में देखते हैं। देखिए फ्रंट साइड भी कितना बढ़िया हमें डिजाइन पे देखने को मिलता है, मतलब काफी प्रीमियम फील आ रहा है दोस्तों। मैड हेल की देखिए हमें ब्रांडिंग भी मिल जाती है, साथ में ट्रोनिका की ब्रांडिंग भी मिलती है साइड से। स्पीकर के फ्रंट साइड पर दोस्तों क्लॉथ टाइप का मटेरियल यूज करा गया है। सामने की तरफ से दोस्तों हमें टू ड्राइवर्स मिल जाते हैं जो कि हैं 4-4 इंच के। स्पीकर का टोटल पावर आउटपुट 20 वॉट्स का है। दोस्तों अब हम आपको स्पीकर के टॉप साइड को डिटेल में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक स्पेस मिल जाता है, इस जगह में हम अपने स्मार्टफोन को रख पाएंगे। तो स्मार्टफोन के लिए होल्डर का काम भी ये कर देगा, स्टैंड का काम, तो ये चीज बढ़िया लगी है। टॉप पर ही दोस्तों हमें डिस्प्ले मिल जाता है, साथ में बटन स्पोर्ट्स भी मिलते हैं। दिखा देते हैं हम आपको कौन कौन से बटन स्पोर्ट्स हमें मिल जाते हैं। देखिए इस पर हम वायर्ड वाले माइक को कनेक्ट कर सकते हैं, पोर्ट हमें मिल जाता है, ऑक्स पोर्ट मिलता है, एसडी कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट मिल जाता है एंड टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है स्पीकर को चार्ज करने के लिए। दोस्तों हमें बटन्स भी मिल जाते हैं। सबसे पहला बटन है पावर ऑन ऑफ को स्विच करने के लिए, तो इसे ऑन कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने ऑन करा डिस्प्ले हमारा ऑन हो गया है, जो भी फंक्शन ऑपरेट करेंगे डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। दोस्तों मोड का बटन हमें मिल जाता है, प्ले पॉज प्रीवियस नेक्स्ट के भी बटन हमें मिलते हैं। दोस्तों बैक साइड पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, प्लेन है। बट ये जो स्पीकर है ना, वुडन के कैबिनेट के साथ हमें देखने को मिलता है, क्वालिटी काफी बढ़िया है। 8 mm की थिकनेस का कैबिनेट हमें इस पर मिलता है। स्ट्रैप को लगाने के लिए जो हमें ये पोर्शन मिलता है, देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी का है। नीचे से देखिए हमें स्टैंड भी मिल जाते हैं आपको स्पीकर को अच्छे तरीके से प्लेस करने के लिए। अब हम स्पीकर को मेजरमेंट भी कर लेते हैं, डायमेंशन नाप लेते हैं। टॉप साइड इसकी हमें 13 inches की देखने को मिल जाती है, देखिए फ्रंट साइड भी सेम हमें 13 inches की देखने को मिलती है। अब इसकी हाइट भी नाप लेते हैं, देखिए हाइट भी इसकी 7 inches की है। स्पीकर के डिजाइन को दोस्तों हमने पूरे डिटेल में देख लिया है।
अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि यार मुझे ये स्पीकर कैसा लगा है। दोस्तों बेस्ट लगा है, मतलब कि सारी कनेक्टिविटी हमें मिल जाती है, जैसे कि ब्लूटूथ, यूएसबी, ऑक्स, एसडी कार्ड, एफएम रेडियो। सो कनेक्टिविटी में आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी, मतलब कि जिस हिसाब का इसका प्राइस है उस हिसाब से कनेक्टिविटी सारी हमें देखने को मिल जाती है। प्लस कुछ और कनेक्टिविटी भी हमें इस पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि हम इस पर वायर्ड वाले माइक को कनेक्ट कर पाएंगे, जो कि ब्लूटूथ स्पीकर पर देखने को नहीं मिलता है, बट इस पर दे रखा है। साथ में दोस्तों ये जो स्पीकर है TWS को भी सपोर्ट करता है। अब दोस्तों अपने फोन को इसके साथ कनेक्ट करते हैं एंड आपको इसका साउंड टेस्ट कराते हैं। प्लीज आप लोग अपने हेडफोन्स का यूज कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों इस मॉडल का हम हिंदी पे भी साउंड टेस्ट लेकर आ जाएंगे इंस्टाग्राम पर, सो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए ऑडियो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जो है वो समा है तुम रह सकी तो रब है। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुख बड़ी ना कर जोरा जोरी। Girl's a wonder, she loves me and she needs to know I love her. तो दोस्तों यार हमने आपको इसका ऑडियो टेस्ट भी डिटेल पे करवा दिया है। आप लोग कमेंट करके बताएगा कि यार इस स्पीकर की आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी है। जितना मैंने एक्सपीरियंस करा ना दोस्तों, ऑडियो क्वालिटी इस मॉडल की हमें बढ़िया मिल जाती है। मतलब कि यार प्राइस पॉइंट इसका देख लीजिए 2000 रुपीज का है, सो 2000 के हिसाब से बढ़िया है। मतलब अच्छी क्लियरिटी मिल जा रही है, लाउडनेस काफी बढ़िया है, साथ में दोस्तों बेस क्वालिटी भी हमें बढ़िया मिल जाती है। बाकी दोस्तों अगर आपको टौरा जमाना है ना अपने ग्रुप पे, तब के लिए भी ये स्पीकर काफी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि डिजाइन बहुत तगड़ा हमें मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी बैटरी बैकअप की, कि यार बैटरी कितनी चलती है। वैसे दोस्तों इस पर हमें 2400 mAh की बैटरी मिल जाती है। प्ले ऑन टाइम दोस्तों अगर आप इसे 50% की वॉल्यूम पर सुनेंगे तो 5 से 6 घंटे का प्ले ऑन टाइम हमें मिल जाता है। बट क्या है कि अगर आप इसे मैक्स वॉल्यूम पर सुनेंगे तो स्पीकर 2 से 2.5 घंटे का ही प्ले टाइम देगा। एंड अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करूं तो इस स्पीकर को चार्ज करने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। मतलब कि आपको 4 से 5 घंटा स्पीकर को चार्ज करना पड़ेगा। एंड अगर आप मिड वॉल्यूम पर सुनेंगे तो 5 से 6 घंटे का प्ले ऑन टाइम आपको आराम से मिल जाएगा। अगर हम इस प्राइस रेंज के और ब्लूटूथ स्पीकर की बात करें जो अदर ब्रांड्स के आते हैं, उन पर इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलती है, बट इस पर हमें सारी लेटेस्ट कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। बाकी आप लोग अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके बताएगा कि यार आपको ये स्पीकर कैसा लगा है। अगर परचेस करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस मॉडल का बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, जाकर आप परचेस भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आशा करता हूं यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको ये स्पीकर बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।